एक और मतलब फूड ब्लॉगिंग, तो आज का ब्लॉग मतलब बिरयानी का। तो रब्बानी बिरयानी चार नंबर पे बल्दिया के, मतलब काश कोई ऐसा बंदा होगा जिसने रब्बानी का नाम ना सुना हो या उसकी बिरयानी ना खाई हो। यहाँ पर रब्बानी भी, अलनूर भी है, दो तीन बिरयानी वाले हैं, पर जो टेस्ट वगैरह है वो रब्बानी का, जो हम लोग मतलब शुरू से यहीं पर आके खा रहे हैं। तो यहाँ का आपने प्रोसेस वगैरह देखा, इतना आला किस्म की, मतलब एक साथ ही लाइव बिरयानी बन रही है और लाइव यहाँ पर खाई जा रही है। तो अभी जो इनके यहाँ शेफ़ हैं उनसे पूछते हैं, मतलब कितना टाइम हो गया आपको बिरयानी बनाते हुए। ये शायान है। शायान, तुझे यहाँ पर काम करते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से मतलब बचपन से यही मतलब काम कर रहे हैं। तो ये होटल को कितना टाइम हो गया रब्बानी? मतलब 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। तो ये रोज़ की कितनी देरी वगैरह बनती है यहाँ पर? माशाल्लाह 25-30-35। सिर्फ जो मतलब यहाँ पर खाते हैं वो, या ऑर्डर की होते हैं वो अलग? ऑर्डर अलग होता है। 25-30 सिर्फ रोज़ की मतलब खाई जाती है। हाँ माशाल्लाह। तो और इसके मतलब मसाले, कितने किस्म के मसाले डलते हैं इसके अंदर? मसाले तो बहुत किस्म के हैं। अच्छा, सिर्फ बिरयानी पुलाव या इसके अलावा भी कुछ बनाते हो तुम लोग? नहीं, हर आइटम चाइनीज़ वगैरह सब बनाते हो, जैसे लब्बे शरीफ होगी, जैसे मतलब पूरा कैटरिंग का मतलब सेटअप है आपके पास। और तुम्हारा उस्ताद का नाम क्या है? सोहेल उस्ताद है, मतलब तुम्हारा सिखाया उसने? सोहेल उस्ताद से भी बात करते हैं। सोहेल उस्ताद थोड़ा मसरूफ चल रहे हैं यहाँ पर। ये भी बस उस्ताद, ये क्या बन रही है? बिरयानी तो नहीं लग रही है? चने वाली बिरयानी बन रही है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें बनाते हुए तकरीबन कितना टाइम हो गया ये पूरा प्रोसेस में? तकरीबन 19 साल हो गए। 19 साल से आप यही काम है बिरयानी, इसके अलावा सारा कैटरिंग का जो काम है? मेरे बेटे जितना था जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। इसकी उम्र अभी कितनी होगी? इसकी ये तक मैं 11 साल। 11 साल अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरे तो बहुत छोटा हूँ बस। यार माशाल्लाह, आपका टेस्ट वगैरह उन्होंने वैसे ही देखा हुआ है। मेन चीज़ें खाना पकाना नहीं है, इसकी सफाई सुथराई मेन चीज़ ये होती है। और हमारे मसाले ब्रांडेड मसाले, तेल आपने देखा इम्पोर्टेड तेल है, लोकल चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते बहुत से किचन वाले। दूसरी बात पता है क्या चीज़ के, लाइव बकरी है और लाइव। हाँ, और हमारे बंदे देख लो माशाल्लाह, हर बंदा सफाई सुथराई में। बिल्कुल बिल्कुल वही, ये खाने पीने का काम है, इसमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी मतलब चने की बन रही है, ये सारी चिकन लगे हुए हैं? गोश्त की यकनी। अच्छा, और ये गोश्त का पुलाव है? ओ, चिकन पुलाव है। ये चिकन पुलाव तैयार है? अच्छा, ये तैयार ही है। यहाँ पर सर्व होगा? नहीं, ये ग्राहक का ऑर्डर का है, मतलब ये ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर का। चलो ठीक है। बाकी फूड ब्लॉगिंग करते रिव्यू वगैरह देते हैं सामने, इनकी जो बैठक का सीन है जहाँ बैठ के लोग खाते हैं वहीं पर इसका रिव्यू वगैरह देते आ जाएँ, फिर आपको दिखाते हैं इसकी बिरयानी का कलर भी दिखाते हैं। और ये गर्मी देख रहे हैं भाई, ये लाइफ पकड़ी है, इस वजह से गर्मी है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग।
तो यार रिव्यू के लिए हमारे पास आया था चिकन पुलाव है बिरयानी, तो रिव्यू करने से पहले सबको बता दूँ कि बल्दिया में चार नंबर पर रफान जो बल्दिया और सपनों पर नहीं टेस्ट की, ठीक है। ये जो वीडियो है ये बाहर वालों की, लोग मतलब बिरयानी के शौकीन से ज़रूर से ज़रूर से विजिट करें यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा कोई टेंडर किस्म का इसका बहुत ही बिस्मिल्लाह करते हैं। मतलब हर जगह पे आप खाएंगे तो आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे, ये टोटल फ्लेवर मूवमेंट है। अब चिकन डे का पुलाव, चिकन पुलाव चिकन अपनी सारियाँ चिकन है ना, बहुत अच्छी किस्म की चिकन और पुलाव का भी बहुत नेक्स्ट लेवल का चिकन है। 75% वो लोग जो विदाउट सब्सक्राइब भेजते चले, एक टच होगा यार आपका और आपका मुझे मेरा बहुत सपोर्ट है। जैसे ब्लॉगिंग मतलब और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब।